पहली खबर बनकर आ रही है AMCA फाइटर जेट इंजन से। क्या है ये AMCA फाइटर जेट इंजन, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। अमेरिका से एक खबर आई, खबर क्या आई कि यूएस इंडिया के साथ मिलकर के AMCA फाइटर जेट इंजन बनाने को तैयार हो गया है। अब हमको इस बात का कोई लेना देना ही नहीं है, तैयार हो गया नहीं हुआ क्या फर्क पड़ गया, ठीक है तेरी मर्जी, बना रहा है नहीं बना रहा है। न्यूज क्यों बनी, अब न्यूज क्यों बनी वो जानते हैं। बिजनेस वर्ल्ड न्यूज चैनल ने ही इसको सबसे पहले लिया, इसके बाद फिर सबने इसको लेना कवर कर दिया। यूएस ने भारत को री ऑफर किया, री ऑफर का मतलब पहले भी एक बार ऑफर दिया होगा, अब फिर से ऑफर किया कि हम क्यों ना जॉइंटली डेवलप कर लें इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इंजन। अब आपके मन में सवाल आने शुरू होंगे, क्या है ये एयरक्राफ्ट की कहानी, कौन से इंजन की बात हो रही है, सभी बातें डिस्कस करते हैं। देखो साथियों, हल्का सा कैमरा टेढ़ा लग रहा है मुझे, हल्का सा टेढ़ा है तो मैं ना इसको यूं घुमाओ, थोड़ा सा यूं, है ना, मतलब थोड़ा सा टिल्ट है ये। अभी भी है पर ठीक है, मतलब बच्चे सोचते होंगे सर की क्लास में रोज कैमरे की परेशानी ही क्यों होती है, इसका कारण भी बता देता हूं। मेरे घर में दो नन्हे कलाकार भी रहते हैं, वो प्यार से भी अगर एक बार स्टैंड हिला जाते हैं ना तो बवाल हो जाता है, ठीक है। एनीवे चलिए सुनते हैं। तो क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि यहां पर यूएस ने री ऑफर किया है जॉइंटली डेवलप करने के लिए इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह बात समझनी होगी कि वो इंडिया के लिए एक रिलायबल सप्लायर बनने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या होता है इन सब का मायना उसको बताएंगे, लेकिन एक बार के लिए लगभग एक महीने पहले मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी उस पर नजर डाल लीजिए। न्यूज क्या है, अमेरिका भारत को 500 मिलियन सैन्य सहायता पैकेज देने का विचार कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब भारत की अमेरिका से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें ऑफर किया कि हम आपको $500 मिलियन की सैन्य सहायता देना चाहते हैं। हमने कहा क्यों, बोले बस यूं ही कि कहीं आप रशिया के ज्यादा करीब ना पहुंच जाएं, हम इसलिए आपको कुछ और धन दौलत देकर के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। भारत ने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंडिया इन दिनों अपना रास्ता बना के चलना शुरू कर रहा है। कौन सा रास्ता, इंडिया खुद के दम पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लीड करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2018 में हमने और आपने, मतलब इंडिया ने और अमेरिका ने मिलकर के एक बातचीत की थी। क्या बातचीत की थी कि हम मिलकर के पांचवी जनरेशन के इंजन का निर्माण करेंगे। अच्छा अब ये इंजन की कहानी क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। आप कोई सी भी गाड़ी खरीद लीजिए, बड़ी सी बड़ी ट्रक जैसी दिखने वाली गाड़ी, आप यूं समझिए कि आप जो रोड पर चलते हुए इतने विशाल का ट्रक देखते हैं ना, जिनमें कि मतलब टन भर सामान लदा हुआ है, एक टन दो टन टाइप से सामान लदा हुआ है, वो आराम से 25-30 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जाते हैं। ज्यादा जोर किया बढ़िया, आपने सब कुछ तामझाम लगा दिया तो 40 लाख में बेहतरीन ट्रक जिसमें आप टन मतलब 1-2 हजार किलो वजन लाद के आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आप अगर मर्सिडीज की एक गाड़ी खरीदने जाएं या फिर बीएमडब्ल्यू की कार खरीदने जाएं तो उनकी शुरुआती कीमत 50 लाख से शुरू होती है और वो जाती है 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक, जिसमें सवारी दो बैठती हैं। अल्टीमेटली इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है, आप कहेंगे सर ब्रांड का है। भैया ब्रांड तो मर्सिडीज ट्रक भी बनाती है, सबसे बड़ा डिफरेंस है यहां पर इंजन की पावर का, इंजन की रिफाइनमेंट का, जिसके ऊपर इन्होंने महारत इतनी हद तक हासिल की हुई है कि जो और किसी के द्वारा नकल तक नहीं की जा सकती। यही हाल एयरक्राफ्ट के साथ भी होता है। हवाई जहाज बनाते समय हवाई जहाज में देखने के लिए जो भव्यता लगा दी जाती है ना कि साहब इसके अंदर
इतने लोग बैठ सकते हैं कि ये इतनी गति से उड़ सकता है, ये दिखने में इतना सुंदर है, इसकी सीटें इतनी जबरदस्त हैं, उन सब के बावजूद उसकी पावर कितनी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज होती है। और जब आप लड़ने के लिए निकल रहे हो तो पावर बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये यूं समझिए कि अगर दो गाड़ियां आपस में ड्रैग रेस करने के लिए उतरे तो गाड़ियां दिखने में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जिसका इंजन पावरफुल होगा वही तो दौड़ के आगे जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सारा दारोमदार किसी भी कंपनी ने अपने इंजन के रिफाइनमेंट पर ही लगाया होता है। तो जितनी भी बड़ी कंपनी है वो रिसर्च करके अपने इंजन को डेवलप करने में समय लगाती है। इसी क्रम में भारत अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, जिसको कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा गया है, यानी कि एकदम लेटेस्ट। इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सी खूबसूरतियां होंगी, लेकिन भारत चाहता है कि इसे अपने द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप करे। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ने वाला, एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान, मीडियम साइज में और एडवांस यानी कि अब तक जितने भी हैं उनसे भी आगे उन्नत किस्म का, ये हम खुद बनाना चाहते हैं फिफ्थ जनरेशन का, जिसकी स्पेसिफिकेशंस जो होंगी वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को फीचर करते हुए होंगी। जैसे इसमें होगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है, देखो मेरे प्यारे साथियों, अक्सर जब भी आप लोगों ने, अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों ने जब हमने पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, आपको मालूम होगा कि जैसे ही इंडिया का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में गया, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का भी लड़ाकू विमान भारत के आए हुए लड़ाकू विमान को चेज करने के लिए उड़ चुका था। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम उनकी सीमा में एंट्री कर रहे थे उन्हें पता चल गया। उन्हें पता कैसे चला? उन्हें पता इसलिए चला क्योंकि उन्होंने बॉर्डर पर रडार लगा रखे थे। सर ये रडार क्या होता है साथियों? ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कई ऐसे नीचे की तरफ टावर लगा दिए जाते हैं जो अपने में से रेडियो वेव निकाल के आसमान में लगातार भेज रहे होते हैं। यदि वो रेडियो वेव किसी से टकराकर वापस लौट आए तो समझ लिया जाता है कि ऊपर कोई व्यवधान आ गया है। क्लियर है? एग्जैक्टली रडार का काम बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए ऐसे ही होता है। रडार से पता चल जाता है कि कोई इस रेंज में एंट्री कर गया है। तो आप तो अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे, रडार कहां से आ गया? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है साथियों कि इस विमान में इस प्रकार की मेटल्स का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की धातुओं का, इस प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है कि जो रेडियो वेव्स निकलकर ऊपर आ रही थी वो टकरा के वापस नीचे नहीं आ पाती। तो फिर क्या होता है, ये खुद ही उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है से क्या मतलब है कि आपको जब टकरा के कोई चीज नीचे आई ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चला कि ऊपर से कोई निकल गया। दैट इज नोन एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ये आसान भाषा में यूं समझिए कि ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर कुछ फेंका, आपको पता नहीं चलेगा कोई आया, क्योंकि वो उस वेव को चूस गया, उसको खा गया। ठीक है, तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम अपने लेवल पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य इंटरनल वेपन्स, सुपर क्रूज, इसके साथ साथ सर्पेंटाइन एयर इंटेक आदि जैसी सुविधाएं हम विकसित करना चाहते हैं। ये जो हम डेवलपमेंट AMCA का करना चाह रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र में इंडिया की कैपेबिलिटीज को दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ी चीज होगा। हम इस चीज के बारे में आगे निकलने की कोशिश करना शुरू हुए। हमने कहा भाई हम अपने द्वारा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब अगर हम अपना एयरक्राफ्ट बना रहे हैं तो किसी को अगर हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में साझेदार बनना है तो आ जाए। तो साथियों हुआ क्या, अमेरिका के अंदर एयरक्राफ्ट का जो इंजन बनाने के लिए सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, इसने जो कि अमेरिका की है, जो कि दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जेट इंजन को बनाने की, इसने अपने द्वारा एक प्रपोजल भारत को भेजा है और कहा है कि क्यों ना हम लोग मिलकर, देखो कट रहा है एक तरफ से, ये KN जो है ना ये कट रहा है, फिर से देखो, ठीक है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर के एक ऐसा इंजन डेवलप करें जो इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया जाए।
ये किसने कहा? ये कहा है अमेरिका की सबसे बड़ी उस कंपनी ने जो जेट इंजन्स बनाने के लिए जानी जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब ये जेट इंजन बनाने वाली जो कंपनी है, इसने बिजनेस वर्ल्ड नाम का जो अखबार है उसकी रिपोर्ट के अंदर ये बात निकलकर आई। ये केवल खुद अकेले मिलकर के आ नहीं रही है इस काम को करने, ये किसको अपने साथ लेकर आ रही है? ये अपने साथ लेकर आ रही है फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन नाम की एक कंपनी है, उसको भी ये साथ में लेकर आ रही है। और साथ में यूके, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी जिसका नाम है रॉल्स रॉयस, ये उसे भी अपने साथ में लेकर के आ रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह अकेले आकर के इस एयरक्राफ्ट का यहां पर निर्माण नहीं करेगी, अपितु ये अपने साथ में कौन कौन सी कंपनियों को लेकर आ रही है? सेफ्रॉन फ्रॉम फ्रांस, रॉल्स रॉयस फ्रॉम यूके, इनको लेकर भारत की एएमसीए के निर्माण के लिए पहुंचना चाहते हैं। ठीक है साहब, ये पूरा कार्यक्रम जब ये आकर के इंडिया में पहुंचना चाहते हैं तो इनका उद्देश्य है कि हम इंडिया के डीआरडीओ के साथ मिलकर के इसका डेवलपमेंट करें और डीआरडीओ के साथ मिलकर के इंडिया को इनका इंडिजीनियस एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करके पकड़ा दें। ये इनका उद्देश्य है। किनका? अमेरिका वालों का। अब आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इसमें कौन सी बड़ी बात है जरा वो भी समझिए। असल में हुआ क्या, हमारी और इनकी 2018 में भी इस बात को लेकर के बैठक हुई थी कि भाई आप लोग क्यों ना हमारे साथ मिलकर के एएमसीए डेवलप कर लें। तब अमेरिका पीछे हट गया था यह कहते हुए कि नहीं साहब, हम ये आपके साथ डेवलप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देना चाहते। टेक्नोलॉजी ना देने की कीमत पर इन्होंने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया था। लेकिन यह पूरा कार्यक्रम जो इन्होंने टेक्नोलॉजी ना देने के कारण हमारे साथ किया था, वर्तमान समय में अब यह टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है और साथ में जुड़ने के लिए भी तैयार हो गया है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया और यूएस ने 2018 में यूएस डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किया था। आपसे पूछा जा सकता है, यहां एक टर्म लिखा गया है, US डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, UDTTI, है ना? इसके ऊपर हमने साइन किया था, लेकिन अमेरिका पहले तक मना करता रहा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी आप लोगों को नहीं देंगे क्योंकि डर है कि आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। लेकिन फाइनली दिन फिरे, अब अमेरिका खुद आगे से तैयार हो रहा है इंडिया को अपने द्वारा यह जानकारी साझा करने के लिए। आप ये अक्टूबर 2019 की न्यूज देख सकते हैं जिसमें यह दिख रहा है कि इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे जिसमें एक दूसरे के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़े। आप देख लीजिए, ये 2019 में इन्होंने हमसे मना कर दिया था, 2022 में ये टेक्नोलॉजी देने के लिए खुद चले आए हैं। तो DTTI क्या है? ये है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर के इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए चला आ रहा था। मैडम से चाय की कह दो, वो भूल गई हैं कि ग्रीन टी सर मंगा रहे हैं, भूल जाती हैं वो। अब ऐसी स्थिति के अंदर साथियों, ये जो चीज है आपको समझ में आनी चाहिए कि ये DTTI इनिशिएटिव क्या है। इस DTTI इनिशिएटिव के अंदर अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेरिका ने अपना स्टैंड बदला है, इंडिया को अपने साथ में जोड़कर नया एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बातें की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से अब समझ में आ गई हो। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। देखिए, अगर ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, अच्छे इंजन विकसित कर लिए, तो इंडिया का जो अपना नया तेजस होगा जो 2025-26 में बनकर तैयार होगा, संभव है कि उसके अंदर भी हम अपने उन्नत किस्म के इंजन का उपयोग कर पाए। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इंडिया और मतलब यूके, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया ने और यूके ने आपस में मिलकर बातचीत की थी। मैं वो दिखाता हूं, एक बार इस न्यूज पर फोकस करिएगा। इधर देखिए, इंडिया इज एन इनक्रेडिबल राइजिंग पावर इन एशिया, ऐसा बोरिस जॉनसन ने कहा था जब वो भारत की यात्रा पर आए थे। हाँ जी, इसी बीच में खबर प्राप्त हो रही है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर गई है। कंफर्म कर दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है क्या?
फ्लोर टेस्ट को मंजूरी दे दी है, जिसका कंक्लूजन निकलता है कि सरकार गिर जाएगी, ठीक है फाइनली, लेकिन जब गिरेगी तभी न्यूज बनेगी, अभी न्यूज नहीं है। तो यूके पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को हेल्प करने के लिए कहा था, अगर आप लोग चाहें तो यह वीडियो 22 अप्रैल को मैंने किया हुआ है, यह अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि यूके के पीएम जब ये बुलडोजर पर चढ़े थे, आपको याद होगा जेसीबी का इन्होंने अपने यहां पर संयंत्र लगाया था, इन्होंने उस समय कहा था कि ये इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं इंडिया के अपने फाइटर जेट निर्माण में। याद आ गया, इनका फाइटर जेट निर्माण पर आश्वासन 22 अप्रैल का था, तारीख देख लेना है ना। अब थोड़ा और पहले की तरफ चलिए, इधर देखिए, इंडिया के साथ में फ्रांस की मिनिस्ट्री ने, देखो एक मिनट ध्यान से समझना, इनकी तरफ से कौन सी कंपनी, रोल्स रॉयस, यूके की रोल्स रॉयस, जिसकी कार बड़ी फेमस है ना, अमिताभ बच्चन के पास है। इसके साथ साथ अब देखो फ्रांस की न्यूज देखो, कंक्लूड जेट इंजन टॉक विद फ्रांस इन मंथ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स का कहना था, 2022 की न्यूज है, मई 2 की न्यूज है। मतलब देखो अप्रैल में यूके ने कहा कि हम आपके साथ फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, मई के अंदर फ्रांस ने कहा कि हम आपके साथ फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, जून चल ही रहा है, अमेरिका खुद जुड़कर आ गया और कहता है कि हमारे यहां की जर्नल इलेक्ट्रिकल्स कहती है कि फ्रांस की सेफ्रन को साथ में ले लो, यूके की रोल्स रॉयस को साथ में ले लो और मिलकर के इंडिया को फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी दे दो। साथियों आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, और जब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है तो जिस अमेरिका ने 2019 में मना किया, वो 2022 में बदलती हुई परिस्थितियों के तहत भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए खुद आगे से तैयार होता है। ये न्यूज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई हो, अगर आई हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है, पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है, जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं, मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।